अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये देखिए, आज हम मौला की हाजरी बना रहे हैं घर में। तो ये इसमें हमने बादाम वगैरह शामिल कर लिए हैं और ये देसी घी में सूजी डाली है, डाल के इसको ब्राउन कर रहे हैं। हमारे हैं ना, ये जो हमारे घर की शादियों वगैरह पे खाने वगैरह बनाते हैं चाचू मोहम्मद अली, इनका नाम, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। तो ये आज हम अपने घर में मौला की हाजरी बना रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इस चीज़ को शेयर किया जाए, ताकि आपको पता चले कि मौला की हाजरी कैसे बनाते हैं और कितने शौक से बनाते हैं। जो मौला की हाजिरी होती है, इसमें पाक साफ होके और बावजू होके इसको हाथ लगाते हैं, वरना मेरी जो अम्मी थी ना, वो बिल्कुल इसको ऐसे हाथ नहीं लगाने देती थी। वो कहती थी कि पाक साफ होके वजू करके और मौला की जो न्याज है ना, वो तैयार करते हैं। जिसके हाथ गंदे होते थे या कोई वैसे लगाने लगता था ना, तो वो कहती थी पीछे हो गए, बिल्कुल ना हाथ लगाते। अच्छा, नाना करना। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी सूजी जो है ना, वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें पानी शामिल करने लगे हैं। ये देखें, अब हमने पानी शामिल कर लिया है और अभी और ज़्यादा पानी डालना है। मुझे खा लो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
ये देखिए दोस्तों, हमने ये इसमें पानी शामिल कर दिया है और आप इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और हमारा जो है ना हलवा ये बिल्कुल तैयार हो जाए। ये देखिए फ्रेंड, हमारी हाजरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये हम ऊपर पिस्ता बादाम डाल रहे हैं। ये देखिए, ये मोला का जो है, मोला की हाजरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस हम एक दो सेकंड में इसको चूल्हे से उतार रहे हैं। मोला की जो हाजरी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको नीचे उतारने लगे हैं। ये देखिए जी, बहुत प्यारा कलर आया है, बहुत खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।